अगर आप 2022 में इनमें से किसी एक को परचेस करने की सोच रहे हो भाई, आप बताओ कौन सी परचेस करोगे अभी भी? मैं दोनों में से कोई नहीं लूंगा। 10-12 की कार दे रही है एवरेज, है ना? हाईवे पे भी लेके जाते हो ना, फिर भी 15 से क्या नाम है फालतू देती ही नहीं है। एसी पर रखो, बिना एसी पर रखो 15 की देगी। Beat from shining through, it's true, baby, let the light shine through, if you believe it's true, baby, won't you? हेलो भाइयों, मेरा नाम है मोंटी मलिक और स्वागत है एक और नए एक्साइटिंग वीडियो में। आप मेरे राइट में देख रहे हो भाई वैगनार है, VXI पेट्रोल वेरिएंट है, और लेफ्ट में जो है अपनी स्विफ्ट है भाई, LXI बेस मॉडल है, और ये भी पेट्रोल ही है 1.2 लीटर। दोनों में सेम इंजन आता है, सेम BHP है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो भाई डिटेल में बात करते हैं कि भाई इन गाड़ियों में से आपको कौन सी चूज करनी चाहिए। तो मेक श्योर जो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये अब मैंने कैमरा अपने हाथ में ले लिया है, मेरे ये साइड है आपके वैगनार VXI और ये है आपकी स्विफ्ट LXI। और आपको एक खास बात बताऊं, इन दोनों गाड़ियों में सिर्फ एक महीने का डिफरेंस है, 26/11/2020, और ये आपकी आई है भाई 26/10/2020, यानी कि एक महीने छोटी बड़ी मान सकते हो आप गाड़ियों को। और जो गाड़ियों की रनिंग है वो भी ऑलमोस्ट सेम के आसपास ही चली है। कितने चली है भाई अभी? ये 8-9 हज़ार। हाँ भाई, ये भी 8-9 हज़ार किलोमीटर के आसपास चली है, और मेरी जो स्विफ्ट है वो भी 9 हज़ार के आसपास ही चली है, यानी कि दोनों गाड़ियों ने सेम रनिंग कवर की है। आज डिटेल में देखता है कि भाई फ्रंट में क्या क्या दिखता है। जैसे आप इसमें देखोगे तो भाई, आपको जब ये परचेज की थी ना तो इसका प्राइस था ऐसी कुछ पड़ी थी। तो भाई ये गाड़ी जब ली थी तो ये पड़ी थी 6,04,000 के आसपास की, और मैंने जो ली थी ये ली थी 560 की, बेस मॉडल था। मैंने कोई भी एक्सेसरीज वगैरह कुछ भी नहीं ली थी, व्हील कैप भी नहीं लिए थे, मैट्स वगैरह तो दूर की बात है, और इसमें जो चीज़ें थी एज इट इज़ वही मिली थी, एक्सेसरीज वगैरह भी मिली थी और कुछ और भी एडोन्स मिले थे, स्पीकर्स वगैरह हो गए। ये तो गाड़ी बिल्कुल स्टॉक है, ये थोड़ी बहुत मॉडिफाइड है। तो पहले भाई वैगनार की बात कर लेते हैं। वैगनार का फ्रंट में देखें ना तो भाई बॉक्सी डिज़ाइन है, थोड़ी सामने से बल्कि लगती है, और स्विफ्ट का देखा जाए तो स्विफ्ट दोनों ही हैचबैक्स हैं, स्विफ्ट थोड़ी प्रीमियम हैचबैक में आ जाती है। इसका थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस इससे वैगनार से थोड़ा सा कम है, इसका 165 mm है, इसका 170 mm है, और मतलब मान लो कि मोटा मोटा थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जब ग्राउंड क्लियरेंस की बात आती है तो टायर साइज का भी हम देख लेना चाहिए। इसमें जो टायर साइज आपको देखने को मिलता है वो मिलता है 165 ATR 14, जो कि स्टॉक टायर है, कंपनी से यही मिलता है। और इसके टायर की बात करते हैं तो इसमें मिलता है 165 70 R14, इसमें 70 है, इसमें 65 है। तो भाई मतलब ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं है, हल्का फुल्का माइनर चेंजेस हैं। तो भाई फ्रंट में ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अब आपको मैं एक बार की दिखा देता हूँ आपकी वैगनार की की बात की जाए तो भाई वैगनार की कुछ ऐसी मिलती है, तो भाई VXI में हर गाड़ी मिलती है। इसमें कुछ खास चीज़ें ये मिल जाती हैं कि भाई अगर आप इसका मतलब VXI वेरिएंट लेते हो तो आपको सीट कवर्स वगैरह हो गए, हालांकि ये तो बाहर से लगवा रखा है, बाकी स्टीरियो वगैरह हो गया या स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह हो गए, सारे कंपनी से मिलते हैं। और भाई चाबी ऐसी कुछ है, मतलब सेंटर लॉक हो गया, पावर विंडो हो गई, ये जो बेसिक चीज़ है ना वो आपको मिल जाती हैं। अब जैसे गाड़ी को ऑन करते हैं ना तो आपको दिखा देता हूँ मैं, एवरेज दे रही है 16.5 की, हालांकि इतना रियल होता तो नहीं है, और चलिए 9,950 9,500 किलोमीटर के आसपास चली है। और हालांकि बैठने वगैरह में भी काफ़ी कंफर्टेबल है, आप देख सकते हो प्रॉपरली लेग रूम वगैरह आपको देखने को मिलता है, और हेडरूम की बात की जाए तो भाई पूछो मत, पूरा स्पेस है, इतना आपको स्विफ्ट में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और ओवरऑल बॉक्स डिज़ाइन है और बिल्ड क्वालिटी भाई दोनों की सेम है, इसमें तो कुछ कह नहीं सकते भाई, मारुति है तो भाई जिंदाबाद है। इस गाड़ी को करते हैं बंद, अब चलते हैं बाहर। तो भाई अब अपनी वैगनार तो मैंने कवर कर दी है, अब वैगनार का एक बार आपको ना बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना क्या बूट स्पेस देखने को मिलता है। अच्छा तो भाई बूट क्या क्या कहना, बूट तो पूरा भर भर के दिया गया भाई, पूरे पूरा स्पेस है इसके अंदर, यानी कि अगर आप इसमें ऐसे देखो ना तो भाई बहुत ज़्यादा स्पेस है। और लीटर्स वगैरह मैं मेंशन कर दूंगा नीचे, भाई ने स्टील गार्ड वगैरह लगा रखा है प्रोटेक्शन के लिए, हालांकि ये इलीगल चीज़ है, लगवानी नहीं चाहिए। तो भाई ऐसा कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलता है वैगनार ओनर से, और वैगनार ओनर से पहले ओनरशिप रिव्यू में काफ़ी वीडियोस में दिखा भी चुका हूँ। अब चलते हैं अपनी स्विफ्ट की तरफ। भाई स्विफ्ट अपनी सदाबहार स्विफ्ट है, इसकी की ये मैंने करवाई थी ऐसी कुछ, और नई वाली जो स्विफ्ट है ना आज 2022 में जो आ रही है उसमें सिर्फ फ्रंट की ग्रिल चेंज है और ड्यूल जेट इंजन लगा दिया है। इसमें मैंने प्रोजेक्टर लगवाए थे, व्हील कैप भी कंपनी से लगवाए थे, बाकी ये भी ब्लैक आए थे, इसमें मैंने पेंट करवा दिया, इसको मैंने क्रोम चढ़वा दिया, हालांकि देखो रस्टिंग वगैरह आनी स्टार्ट हो गई है। और इंटीरियर बात करें तो भाई ये मेरे को ना बहुत चीज़ें खटकती हैं, बहुत गंदी लगती है मेरे को ये, जल्दी इसमें मैं कुछ चेंज करके ही सोच रहा हूँ मैं, जो टॉप मॉडल की पावर विंडोज़ वगैरह वो लगवाने वाला हूँ। और गाड़ी को ऑन करते ना
तो इसकी इसकी रनिंग भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये चली है 9051 किलोमीटर, यानी कि लगभग 9500 वो चली है, ये 9000 चली है। और इसमें भाई इंटीरियर में कुछ भी नहीं मिलता, मतलब पावर विंडो तो दूर की बात है भाई, आपको इसमें स्टीरियो भी नहीं मिलता है, स्पीकर्स भी कुछ भी नहीं मिलता है, सीट कवर्स वगैरह सब कुछ मैंने लगवाए हैं। और इसमें स्पेस की बात की जाए तो इसमें भाई थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है, हल्का फुल्का। और स्टीयरिंग कंट्रोल भाई मैंने बाहर से लगवाए थे, इसमें ये भी नहीं आए थे, मतलब बिल्कुल चार पहिए और एक स्टीयरिंग दे दिया भाई, और कुछ नहीं था गाड़ी में मेरे को पता है भाई, मैंने देख रखी है तो भाई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मिल जाता है। इसमें हेडरूम की बात की जाए तो भाई इसमें भी अच्छा खासा हेडरूम मिल जाता है, और इसमें चार या पांच बंदे इजीली बैठ सकते हैं, सेम एज इट इज वैगनार। थाई वो क्या नाम है, थाई सपोर्ट की कंफर्ट बहुत बढ़िया है, थाई कंफर्ट भी बढ़िया है भाई इसमें। जनरल पब्लिक को बिठाता हूँ मैं गाड़ी के अंदर, जनरल पब्लिक बताइए कैसा क्या एक्सपीरियंस है उसका बैठने का। तो जनरल पब्लिक आप बैठिए गाड़ी में और बताइए कैसा क्या एक्सपीरियंस है। तो देखिए जनरल पब्लिक यहाँ बैठेगी, ये सीट बिल्कुल पीछे है, फिर भी मतलब लंबे रूट पे जा सकते हैं आराम से अगर ये पोजीशन होने के बाद भी। और हेडरूम काफी बढ़िया, मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच के आसपास है, फिर भी मतलब स्पेस मिल जाता है और आराम से मेरे जैसे दो जने और बैठ सकते हैं भाई, तीन कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, हरिद्वार जा सकते हैं हरिद्वार बैठ के, बिल्कुल सही बात है भाई। एक बार आपको बूट और दिखाता हूँ, बूट थोड़ा सा इसका ना यार कंजेस्टेड हो गया है, ये भी बहुत बेकार चीज़ है यार, यहाँ से आपको बूट ओपन करना पड़ता है, बहुत ही बेकार वाहिया चीज़ है, ये चीज़ें देनी चाहिए यार, बेसिक गाड़ी में होनी चाहिए। अब यार इसका गाड़ी थोड़ी गंदी हो रखी है बारिश हुई, इसलिए प्लीज माइंड मत करना। तो भाई बूट की बात की जाए तो बूट मैंने अपने हाथों से ही भर रखा है, तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, हालांकि स्पेस काफ़ी अच्छा है इसमें भी बूट का यार, क्योंकि देखो कम से कम देखा जाए तो इतनी बड़ी बेस्टू आ रखी है इसके अंदर, स्पीकर्स लगे हैं, हेलमेट वगैरह, बाकी अभी भी मेरा सामान काफ़ी सारा सामान ये कैरी कर रही है। तो भाई ऐसा कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंस है भाई दोनों गाड़ियों का, अगर आप 2022 में इनमें से किसी एक को परचेस करने की सोच रहे हो भाई आप बताओ कौन सी परचेस करोगे अभी भी। मैं दोनों में से कोई नहीं लूंगा ना, अगर लेना पड़ जाए मैं तो निसान की मैग्नाइट लेता अगर अभी होता तो ऑप्शन अच्छा। वो इनसे सस्ती पड़ती है, सस्ती पड़ती है, स्पेस भी बड़ा है और एसयूवी भी लगती है, थोड़ी एसयूवी भी लगती है भाई। ओवरऑल ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है दोनों गाड़ियों का। मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन बताया जाए तो अभी भी मैं स्विफ्ट की तरफ ही जाऊंगा, बस मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी एवरेज में आ रही है, एवरेज खैर इसमें भी काफी कम दे रही है, 10-12 की दे रही है एवरेज, है ना। हाईवे पे भी लेके जाते हो ना फिर भी 15 से क्या नाम है फालतू देती ही नहीं है, एसी पर रखो बिना एसी पर रखो 15 की देगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अपनी गाड़ी के बार एवरेज, ये देखिए ये टूटी करता है जो आफ्टर मार्केट, ये मेरे को काफी गंदा लगता है। एवरेज की बात कीजिए ना भाई, अब ये देख लो आप एवरेज, एवरेज में भी मारुति पेट्रोल में होने के बाद बात भी 17 की एवरेज दे रही है, ये दे रही है बस ऑन पेपर्स है, वैसे नहीं है बिल्कुल भी, वैसे ये जो दे रही है 12-13 की दे रही है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस किया है वो। अब देखो ना यार मैंने 10 लीटर तेल डलवाया इसमें, ठीक है, तो 140 दिखा रही है रेंज, जो जो इसमें आता ना लिखा उसे 20% कम है, तो ये 12 के आसपास एवरेज दे रही है जो मैंने एनालाइज किया अभी, 12 या 14 के आसपास, से ज्यादा बिल्कुल भी दे रही है, एवरेज सेम ही है दोनों। हाँ दोनों के एवरेज बिल्कुल सेम है पेट्रोल में। अभी मैंने इसको बड़े गियर पे रखा था, अभी इसका चौथे पे रखा है, जब जाके इसने 16.4 के आसपास, अभी आपको ये दिखाऊं ना यहाँ पे एवरेज 16.6 की दे रही है, वही मतलब 12-14 के आसपास ही दे रही है ये ना। एसी पे लिया आया तो ये क्या नाम है 14 पहुंच जाएगी एसी ऑन होती है, अदरवाइज ये भाई देखो रूल आ तो रही है यार, मतलब एक बात बताओ मारुति ने इसकी बिल्ड क्वालिटी घटा दी है, थस्सी को इसका ओपन करने के बाद शायद अंदर रह गया चाबी इसका, अगर आप इसको देखोगे ना इसका आपको एक बार ये इंजन भी दिखा देता हूँ ओपन करके दोनों गाड़ियों का एक बार, और गाड़ियाँ फिर भी बिक रही हैं भाई दबा के। आप दोनों गाड़ियों के इंजन को थोड़ा पास से दिखाते हैं आपको, ये देखिए इसमें 4 सिलेंडर 1.2 लीटर का मिलता है, लेकिन नीचे का सारा एरिया खाली है, कोई भी इंजन गार्ड वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, इसमें कुत्ता बिल्ली चूहा कोई भी आके आराम से बैठ सकता है और वायर्स वगैरह काट सकता है इजीली, तो ऐसा कुछ है भाई ओवरऑल। यहाँ का एरिया देख लो आप, बिल्ड क्वालिटी तो अलग बात है, और इसमें भी देख लो सेम वही है 4 लीटर 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है, नीचे सेम वही हाल है, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, कोई भी चूहा बिल्ली इजीली इसकी वायरिंग कट कर सकता है, है ना भाई, सोते हैं वो, मैंने बीट भी देखी देखा चूहे की इसके अंदर, ये भी पड़ी है अभी, हाँ ये देख लो आप, तो रीजन वही है भाई। और ऐसा कुछ और इसमें थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा भिजा भिजा इसे लग रहा है क्योंकि इसका बोनेट छोटा है, इसका बोनेट बड़ा है, तो बोनेट बड़े होने की वजह से इसका थोड़ा सा खुला खुला लग रहा है ये ओवरऑल,
और यहाँ पे आपको इसका कवर प्रोटेक्शन सी मिल जाती है थोड़ी सी, ताकि थोड़ा साइलेंट करने के लिए इंजन को। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब मारुति छोटी छोटी बातों भी कोस्ट स्टार्टिंग कर लेता है भाई, पता भी नहीं चलता कहाँ कोस्ट स्टार्टिंग कर दी, बट कर देता है। नफरत सी हो रही है धीरे धीरे, है ना, मुझे भी ऐसे लग रहा है यार। बट मारुति अब इम्प्रूवमेंट कर रही है, नेक्स्ट गाड़ियों में जो आ रही है अभी उन्हें फीचर्स तो दे रही है, सनरूफ वगैरह भी आने वाली ब्रीजा में। तो इतनी है ना, अब इस वैगनर का टॉप जा रहा है 8.5 के पास, हाँ, और इसका 10.5 के आसपास जा रहा है। लुक्स बिल्कुल सेम है, 8.5 लाख में मैं तो मानता नहीं लेनी चाहिए। और भाई मैं भी नहीं मानता 10.5 लाख में इसका टॉप मॉडल लेना चाहिए। बेस अब आपको ना बेस मॉडल लेना चाहिए, उसकी डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगी कि भाई आपको कौन सा मॉडल परचेज करना चाहिए 2022 में। तो भाई हमने ना अपना नॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर किया दोनों गाड़ियाँ कैसी है कैसी नहीं है। मौसम काफी अच्छा हो रखा है और स्पेशल डिमांड हमने रोड वगैरह बंद करवा दिए ताकि हम वीडियो बना सकें इजीली, है ना। तो भाई ये दोनों गाड़ियाँ ऐसी हैं, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चाहे सब्सक्राइब करना भी। इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एक और नई वीडियो बहुत ही जल्द।